नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन पेज। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि आज सोने और चांदी की कीमतों में फिर से बड़ी गिरावट देखी गई है। यहां पर बड़ी खबर है कि सस्ता सोना खरीदने का मौका, फिर गिरे दाम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने का मन बना रहे हो तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। भारतीय बाजार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण की चिंताएं अब लोगों के मन से दूर होते जा रहा है। साल 2021 सोने और चांदी के खरीदारों के लिए बेहद ही शानदार माना जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भी सोने और चांदी की कीमतों पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। तो वही बजट 2021 की वजह से शेयर बाजार में भारी तेजी आई है, जिससे कि सोने और चांदी पर बिकवाली सबसे ज्यादा हुई है। निवेशकों ने सोने और चांदी में ज्यादा से ज्यादा बिकवाली करके शेयर बाजार में पैसा लगाया है। वही जानकारों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। सोने का भाव 42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, तो वही चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि अब तक सोने का भाव उच्चतम स्तर से 10,000 रुपये तक गिर चुका है, यानी कि सोने के भाव में 10,000 रुपये की गिरावट आ चुकी है, तो वही चांदी के भाव में 13,000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव सस्ता होना चाहिए, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी के साथ में नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर लिखे, ताकि आपको अपने राज्य के सोने और चांदी के भाव मिल सके। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।